कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ये जानलेवा वायरस सिर्फ मुंह और नाक के जरिए ही नहीं बल्कि आंखों के जरिए भी संक्रमित कर सकता है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स आंखों के जरिए शरीर में जाकर आपको संक्रमित कर सकते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि ऐसे में कैसे करें बचाव। तो मैं सबसे पहले टेस्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया और टेस्टिंग के कई बारे में सरकार से लेकर सब लोगों को सलाह भी दिया और कई चैनलों पे आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी दिया जी। फिर ये जब बीमारियाँ ये लाइलाज और नहीं खतरनाक और ये सब हुई तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा। तो अभी ये होम आइसोलेशन सिस्टम एक चला जिसमें तकरीबन काफ़ी एक बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं। जब मैं उनकी सर्विस करने गया फिर सर्विस उनको एडवाइस उनकी समस्याएँ और बात फोन पे और व्हाट्सअप कॉल पे समझने लगा तो समझ में आया कि वहाँ पे एक दूसरी समस्या भी एक सो कॉल्ड आइसोलेशन जो है सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा खासा आदमी है हेल्दी आदमी है लोग उसको भी बूढ़े बाप को अलग कर दे रहे हैं दवाइयाँ टाइम पे नहीं रही तो सबों को समझा के काउंसलिंग करके उनकी उचित चिकित्सीय देखभाल टेलीफोनिकली इससे किया और उसमें पाया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो ठीक होने वाले थे वो ठीक होने के जगह पर इस आइसोलेशन या इस सिस्टम के कारण ज़्यादा बीमार हो गए और ख़तरनाक स्टेज में पहुँचने के करीब में चले गए। तो मेरी सहायता से इस तरह से वो लोग ख़तरनाक स्टेज में जाने से बच गए और पहले ही उनका इलाज हो गया जी। और ये व्यवस्था में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो होम आइसोलेशन में है कि इसमें पेशेंट का आदमी आपके फैमिली मेम्बर आपकी सेवा करते हैं वो सेवा सबसे बढ़िया सेवा है। कोई भी नर्सिंग हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर में नर्स 2 मिनट लिए जाती हैं 5 मिनट लिए जाती है लेकिन किसी बूढ़ा बाप का या किसी आदमी का वाइफ हस्बैंड बच्चा बीमार है तो 24 घंटे उसकी सर्विस कर सकता है। तो होम आइसोलेशन सिस्टम बहुत अच्छा है बशर्ते कि उसको ढंग से मॉनिटर किया जाए। तो हम लोगों ने अपनी पूरी टीम बनाई धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और इसको पूरे बिहार के लोगों को सर्व करने विभिन्न कई जिलों में हो रहा है। कुछ बिहारी लोग जो बाहर रह रहे हैं बॉम्बे दिल्ली कोलकाता मद्रास वो लोग भी व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े और अपने समस्या बताया और उसके हिसाब से हमने वहीं पे ब्लड टेस्ट करवा के जहाँ वो हैं वहाँ पे ब्लड टेस्टिंग हुई और उस रिपोर्ट के आधार पे अभी तक हम लोग 3,000 से ज़्यादा लोगों को इस वर्चुअल कोविड होम आइसोलेशन सेंटर के थ्रू असिस्ट कर चुके हैं मैनेजमेंट कर चुके हैं दवाइयाँ बरता चुके हैं इंजेक्शन वहाँ के एक्सपर्ट कंपाउंडर्स जो होते हैं वो लोग करते हैं और मॉनिटरिंग वगैरह रिपोर्टिंग से करते हैं सही कैसे खाना है ये है वो सारी व्यवस्थाएं बताते हैं मोटिवेट करते हैं फैमिली मेंबर्स को कि आप अपनी फैमिली मेंबर को सर्व करो आप ही सबसे बढ़िया सर्व कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है नर्सिंग नहीं कर सकता और इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया। न्यूज़ डेस्क।